नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई रेयरेस्ट ऑफ रेयर बीमारी हैं जिनका ना तो कोई इलाज संभव है, ना ही उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज हम ऐसी ही लाइलाज बीमारियों से ग्रसित एक पेशेंट सोनल भार्गव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो फाइब्रोमाइल्जिया और हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस से पीड़ित थी। दोस्तों, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज संभव नहीं है और ये लाखों में से किसी एक व्यक्ति को होने वाली बीमारी है। सोनल भार्गव जी एक और लाइलाज बीमारी हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस से पीड़ित थी, जिसमें थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जहां एडवांस मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का इलाज असंभव बताया गया, वहीं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने अपना चमत्कार दिखाया और सोनल भार्गव जी ने अपनी बीमारियों पर जीत हासिल की। आइए मिलते हैं सोनल भार्गव जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम सोनल भार्गव है। मैं 33 वैराटी कॉलोनी नंबर 1 में रहती हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, नसों में मुझे प्रॉब्लम थी तो हाथ पैर रह जाते थे मेरे, मतलब कुछ काम नहीं करते थे। तो मुझे सर ने बताया मुझे फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी है जो लाइलाज और काफ़ी रेयर है, मतलब बहुत कम लोगों को होती है। इसमें ज़्यादातर इंसान पलंग पे पड़ जाता है और उसको काफ़ी पेन होता है और वो पेन इतना होता है कि इससे आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग, दर्द के कारण असहनीय दर्द होता है उसमें। लेकिन मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के कारण काफ़ी रिलैक्स है, अब मुझे ये वाली बीमारी नहीं है। तो वो जो बीमारी है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर ने मेरी वो बीमारी सही कर दी है। तो जो काफ़ी रेयर, मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकती है वो, लेकिन सर के इलाज से वो नेगेटिव हो गई है। एक महीने के अंदर ही मतलब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी और मुझे काफ़ी आराम है। वो ये सिम्टम आए थे, मेरा ये हाथ पैर रह रहे थे, मतलब ये वाला पैर रह गया था और एक हाथ रह गया था, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। पैरालिसिस जैसा लगा, ऐसा लगा पैरालिसिस हुआ है। लेकिन वो कुछ एक बीमारी थी जो नसों के सुन्नपन के कारण ये रह जाता है, तो वो बता रहे थे। तो उसमें ट्रीटमेंट हुआ था मेरा, फिर बार बार मतलब हर मंथ हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, दो तीन बार हो गए हॉस्पिटलाइज। कभी भी एकदम से ऐसा पैर रह जाता था आतरे पर, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। तो फिर यहाँ पर आई सर के यहाँ, तब काफ़ी सही है, मुझे बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ ही मुझे हाशिमोटो थायराइड भी है जो अब सही है, मतलब पहले जो थी मेरे को सर ने बताया था इसका मतलब मेरी कोशिकाएं ही मेरी कोशिकाओं को मार रही थी। लेकिन मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के कारण काफ़ी रिलैक्स है, अब मुझे ये वाली बीमारी नहीं है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के यहाँ आने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ, मुझे काफ़ी रिलैक्स है। होम्योपैथिक दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक इलाज सस्ता है एलोपैथिक दवाइयों की अपेक्षा। सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सर की दवाइयों से मुझे काफ़ी आराम लगा है, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर की दवाइयों से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण मेरी सारी बीमारियाँ सही हो रही हैं। यदि मैं सर के पास नहीं आती तो शायद आज मैं पलंग पे पड़ी हुई होती कहीं पे। और जो मेरी बीमारी है वो बिल्कुल लाइलाज है सर की कृपा से, मतलब वो बीमारी मेरी काफ़ी सही हो गई है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अर्पित चोपड़ा सर को,